नमस्कार उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर सुमन नगर और आने की रोशनाबाद क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए 5 कॉलोनियों को सील कर दिया है और इन कॉलोनियों को बिना अनुमति के ही विकसित कर यहाँ प्लांट बेचे जा रहे थे और सभी को सील कर दिया गया है। सीज होने के से बाद ही यहाँ पर प्लाट खरीदने वालों को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब इनके प्लाट का नक्शा जो है वो पास नहीं किया जा सकेगा और साथ ही कोई निर्माण करने पर भी मनाही होगी। सील की गई कॉलोनियों में निर्माण करने कर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश पर ही HRDA की ओर से भी दिए गए हैं और वहीं अब तक सुमनगर आने की हितमपुर सहित ही पूरे हरिद्वार में अब तक लगभग 150 से ज़्यादा कॉलोनियाँ जो है HRDA के द्वारा सील की गई है। हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देश पर शंकराचार्य चौक पर गंगा किनारे खाली पड़े स्थान को हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण द्वारा पार्क के रूप में ही विकसित किया गया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शंकराचार्य चौक का निरीक्षण किया और बहुत ही कम समय में पार्क विकसित करने पर हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की कार्यशैली की सराहना की है। ये हरिद्वार का एंट्री पॉइंट है और 3-4 दिन पहले जो मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था, यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी और इसको हम लोगों ने लैंडस्केपिंग के माध्यम से इस एरिया को डेवलप किया करना शुरू कर दिया है। इसका टारगेट हम लोगों ने रखा था कि होली के पहले, लेकिन मुझे खुशी है कि प्राधिकरण ने बहुत अच्छा कार्य किया और अभी केवल 4 दिन हुए हैं और अब इनका ये कहना है कि 24 तारीख तक ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो निसंदेह ये बड़ा ही एक सुखद अनुभव रहा और कम से कम जो लोग दूर दराज से हरिद्वार में आते हैं, एंट्री पॉइंट पर आते हैं, तो उन्हें भी एक अच्छा एहसास होगा देखकर कि हरिद्वार में का एंट्री पॉइंट इतना खूबसूरत बन गया है। बीती 18 फरवरी को काशीपुर के इलेक्ट्रिकल व्यवसायी मनोज अरोरा के ही ड्राइवर द्वारा उनकी इनोवा गाड़ी को लेकर चंपत हुए मामले में काशीपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। फरार ड्राइवर अमित और उसके साथी को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। SP सिटी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बताया है कि पकड़े गए दोनों लोग UP के रहने वाले हैं और करीब एक महीने पहले अमित ने काशीपुर के व्यवसायी मनोज के यहाँ ड्राइवर के रूप में नौकरी शुरू की और बीती 18 फरवरी को अमित इनोवा गाड़ी लेकर चंपत हो गया। पुलिस ने तहरीर मिलते ही तलाश शुरू की तो मुखबिर से सूचना मिली कि फरार अमित उक्त गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर प्रतापपुर की तरफ आने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने ही जब गाड़ी को रोका तो दो लोग पकड़े गए जिनकी पहचान अमित और मनोज के रूप में हुई है। SP सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों को जेल भेजा जा रहा है। सब इंस्पेक्टर देवेंद्र परिवार के नेतृत्व में एक टीम बनाई, इसमें वीडियो कैमरे देखे गए और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और जो उसके द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, जो ड्राइवर था वो हमने जब चेक किया तो वो भी फोर्ज निकले थे, लेकिन फिर भी हमने इसको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद ये पता चल गया कि ये दो लड़के थे, एक अमित और इसके साथ एक और लड़का था, ये मूलतः बरेली में साथ काम किए थे और इनकी प्लानिंग थी कि इस तरीके से कोई अच्छी गाड़ी वो मिलती है तो उस गाड़ी को ले चल के और हम बेच करके इसको खुर्द-बुर्द कर देंगे। तो इनको इसमें कामयाबी मिल गई थी, ये लेकर के यहाँ से चले गए थे, लेकिन हमने गाड़ी को सब रिकवर कर लिया, इन दोनों को हमने पकड़ भी लिया, आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम इन्हें पेश कर रहे हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के मायाकुंड क्षेत्र में केवलानंद चौक पर कचरा डालने को लेकर विवाद हो गया और विवाद में सफाई कर्मचारी और स्थानीय लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ। बात हाथापाई तक पहुंच गई और मगर कुछ लोगों के बीच बचाव कर मामले को संभाल लिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर नगर निगम के खिलाफ हंगामा किया और सूचना मिलने पर नगर निगम से सहायक नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, दो दिन में समस्या का समाधान करने का भरोसा देकर स्थानीय लोगों के गुस्से को शांत किया। और हालांकि नगर निगम यहाँ पूर्व में भी कूड़ा को लेकर के बहुत विवाद हो रखा है और धरने भी प्रदर्शन भी हुए हैं, पर वर्तमान में हमारे जो नगर निगम बना उसके बाद हमारी मेयर महोदय के द्वारा उनके सहयोग से किसी प्रकार हमने इस कूड़े को यहाँ से अन्यत्र परिवर्तित कराने का प्रयास भी किया था, जो कि हुआ भी मेयर मैडम के सहयोग से और सभी के हमारे कर्मचारियों के सहयोग से परिवर्तित भी हो गया था। पर जिस जगह परिवर्तित हुआ था, हालांकि वो भी मेन रोड है तो इसलिए हम उसका भी समर्थन नहीं करते, तो वहाँ भी कुछ लोगों के द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया, जिसके बाद मेयर महोदय द्वारा मेरे को से मुझसे निवेदन किया गया कि मनीष की क्या है कि वहाँ भी विवाद हो रहे हैं,
यहाँ पे थोड़ा पोर्शन ज्यादा है, दो दिन के लिए हमें यहाँ पे वो कर दो, हम उसके कूड़ा हम कूड़े को अन्यत्र स्थान करने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। दिनेशपुर नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दिनेशपुर नगर क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया और इस दौरान नगर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे जैसे अतिक्रमण हटाने वाली टीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक के आगे बढ़ रही थी और दुकानदार अपने आप दुकान के बाहर रखा सामान हटाना शुरू कर दिया और इस दौरान ही नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा है कि दिनेशपुर नगर पंचायत के अंतर्गत दुकानदार अपनी दुकान का सामान अपने दुकान के सामने फुटपाथ पर रखकर ही अतिक्रमण कर रखा था और आप लोगों को चलने के फिरने में ही परेशानी हो रही थी, जिसके मद्देनजर अतिक्रमण को हटाया गया है और इस दौरान ही कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं। वहीं थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा है कि दिनेशपुर शहर के दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान के सामान दुकानों के बाहर फुटपाथ पर रखे जा रहे थे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो रहा था। अतिक्रमण को हटाया गया। उन्होंने कहा कि यहां कार्यक्रम लगातार बीच बीच में चलाया जाएगा और ना मानने व्यापारियों पर चालान भी किया जाएगा। हमारा जो अभियान चलाया अभी कंटिन्यू चलेगा और कंटिन्यू इनकी चालानी करवाई होगी। हमने क्या है कि दुकानदार अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए दूसरी दुकान को छुपा देते हैं। आज जैसे कि हमारे पुलिस मुख्यालय से निर्देश हमें आए हुए हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर महोदय द्वारा हमें अतिक्रमण पे कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उसी के क्रम में हमारे द्वारा श्रीमान अपने SDM साहब को भी एक पत्राचार किया गया था और ये साहब को भी करा था, तो उसमें ये निर्णय निकला कि जो भी ये अतिक्रमण हो रखा है इसको तत्काल हटाया जाएगा। हरिद्वार से खबर है जहां AE और JE प्रश्न पत्र लीक कांड में शामिल आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है और आरोपियों को PCR पर लेने के बाद कई नए तथ्य सामने आने की भी संभावना है। पटवारी भर्ती परीक्षा और AE JE प्रश्न पत्र लीक कांड SIT अब तक 20 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और आरोप है कि AE और JE परीक्षा प्रश्न पत्र को निलंबित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने 28 लाख रुपए देकर दूसरे अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार की मदद से लीक किया था और इस लीक कांड में गिरफ्तार हो चुके अनुभाग अधिकारी उसकी पत्नी समेत 5 आरोपियों को SIT जेल भेज चुकी थी और जिसके बाद दूसरे अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार और सुनील सैनी और इसके साथ ही BJP नेता नितिन चौहान को जेल भेजा था। लेकिन भाजपा के मंगलौर ग्रामीण मंडल के पूर्व अध्यक्ष 25,000 के इनामी संजय धारीवाल की तलाश में SIT सरगर्मी से जुटी हुई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मसूरी उप जिलाधिकारी ने पर्यटन सीजन की तैयारियों को लेकर लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल निगम और पुलिस विभाग, व्यापार मंडल के साथ साथ शहर के ही गणमान्य लोगों के साथ बैठक की और बैठक में सड़क, बिजली, पानी, ट्रैफिक सहित माल रोड पर हो रहे कार्यों पर चर्चा की गई और मसूरी SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि पर्यटन सीजन चरम पर है, जिसको लेकर आज सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और बैठक में माल रोड पर हो रहे माल रोड शुद्धिकरण के कार्य को जल्द से जल्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पानी के छिड़काव के लिए हमने 3 टैंकर लगाए हुए हैं, वो कंटिन्यू मतलब छिड़काव कर रहे हैं रोड के ऊपर। अभी कुछ प्रॉब्लम आई, पहले हमारा झील से पानी आता था, वो झील का पानी NGT की तरफ से उसमें वहाँ से मना हो गया और अभी इतने स्रोत बड़े बड़े नहीं है जो 3-4 घंटे में एक ही बार, दिन में दो चक्कर लगा पाता है। आजकल धूप भी ज़्यादा होने लगी, पानी मतलब जल्दी सूख जाता है, इसलिए थोड़ा सा धूल मिट्टी की शिकायत आ रही है। अभी मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट की है इसको ट्रैफिक को रोकने के लिए 15 दिन के लिए, फिर हम इस कार्य को 15 दिन के अंतर्गत जो भी हमने एक अपना काटा है लगभग 500 मीटर का पैच 15 दिन में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और लोगों की दिक्कतें दूर करने का प्रयास करेंगे। पौड़ी जिले में एक सरकारी शिक्षक की क्रूरता इस कदर सामने आई है जहां बौखलाए शिक्षक ने 9वीं कक्षा के एक छात्र का हाथ तक तोड़ दिया है। मामला जिले के ही कलजी खाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज कांडा का है, जहां पर भूपेंद्र थपरियाल नाम के शिक्षक ने ही मासूम छात्र का हाथ इसलिए तोड़ डाला कि एक लावारिस कुत्ता स्कूल परिसर में घुस गया और वही मासूम छात्र को इसका कसूरवार मानकर शिक्षक ने छात्र को इस कदर पीटा कि छात्र के हाथ की
हड्डी टूट गई। वहीं आगामी 27 फरवरी से छात्र की परीक्षाएं हैं और परिजन इस बात को लेकर चिंतित है कि छात्र अब परीक्षा में बैठेगा कैसे। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया है कि छात्रों को पीटना कानूनी अपराध भी है और वहीं इस गंभीर प्रकरण पर भी शिक्षक की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में अवगत कराना है कि मीडिया के कुछ कर्मियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि GIC कांडा के एक शिक्षक ने एक बच्चे को इतना मारा है कि उसका हाथ टूट गया है। मैंने GIC कांडा के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि घटना उनके विद्यालय की है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि बच्चा कौन था, किस कक्षा में पढ़ता था, टीचर कौन है, टीचर का नाम क्या है, कितनी चोट आई है, तो इस सब के बारे में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी श्री साबिद आलम जी को जांच अधिकारी बना के जांच दे दी है। 5 दिन के अंदर जांच आ जाएगी, तो जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि शिक्षक दोषी सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि बच्चा लिखने की स्थिति में नहीं है तो परीक्षा के समय उसको श्रुति लेखक प्रदान किया जाएगा, जो उसके द्वारा आंसर बोले जाते रहेंगे और जो हम देंगे श्रुति लेखक वो आंसर लिखता रहेगा। नगर क्षेत्र के शहीद पार्क ज्ञानसु में वॉर मेमोरियल रितलिंग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हर्षिल आर्मी में तैनात 11वीं बटालियन जैकलाई के 4 जवान अचानक करंट की चपेट में आ गए, जिसमें एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि अन्य 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद सेना के जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और घटना से मौत हुई है ये भी बताया जा रहा है। जवान का नाम राइफलमैन करण आजाद था, जो जम्मू का निवासी था। गंगोत्री विधायक सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और सैनिकों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बात कर सेना की मदद करने को भी कहा। यहाँ पर जो हमारी जैकलाइज फौज जो अभी अभी आई है, उनका कल शहीद पार्क ज्ञानसु में कोई कार्यक्रम था, अचानक बिजली की चपेट में हमारे 4 नौजवान आए, जिसमें से एक जो है शहीद हो गए और 3 जवान हमारे इसमें बचे हैं। बहुत ही दुखद घटना है और हम इसके लिए लगातार उनके जो हमारे जो घायल हुए सैनिक हैं उनके साथ लगातार जो है उनको ठिकसा बना रहे हैं और जो हमारे 3 सैनिक हैं वो लगभग अब थोड़ा सा ठीक स्थिति में है और एक जो है एट दिस पॉइंट ही मतलब जो है वो बहुत ही स्थिति गंभीर थी जो घायल हो गया और लगातार प्रशासन शासन की तरफ से उनको उसका पूरा सहयोग किया जा रहा है। हरिद्वार के बहादराबाद थाना पुलिस ने कनखल थाना क्षेत्र में जिला दवा निरीक्षक के साथ एक दवा कारोबारी के गोदाम पर छापेमारी की और इसके साथ ही कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में ही जहां पुलिस को मौके से काफी संख्या में प्रतिबंधित ऐसी दवाइयां मिली है जिनके खरीद के बिल तो पुलिस को मिले हैं लेकिन बिक्री का कोई बिल पुलिस के हाथ नहीं लगा है और इस मामले में दवा कारोबारी और उसका पिता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आपको बताते चले कि शनिवार को STF की टीम ने ही बहादराबाद थाना पुलिस के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर बहादराबाद थाना क्षेत्र से ही 2 दवा तस्करों को गिरफ्तार किया था और पकड़े गए आरोपी भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं को बिना बिल के ही क्लियर और देहात क्षेत्र में सप्लाई करने जा रहे थे। हैदराबाद द्वारा अभी फिलहाल में जो कार्रवाई की गई है, ड्रग्स भारी मात्रा में पकड़ी गई है, उसी कार्रवाई के दौरान एक नाम निकला है सुशांत मेहता, तो उसका जो मेडिकल स्टोर है वो कनखल में है। अभी 2 दिन पूर्व हमारे द्वारा उसे ढूंढा गया था पुलिस टीम के साथ मिलकर, तो वो मौके से फरार हो गया था। मकान मालिक की मदद से जो है उसकी वाइफ को मौके पर बुला के और जो है मेडिकल स्टोर का हमारे द्वारा आज चेकिंग किया गया और वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर क्योंकि फार्मास्वामी तो वहाँ पर था नहीं और उसकी वाइफ कुछ भी दिखाने में असमर्थ रही और वहाँ फिलहाल ट्रामाडोल और अल्प्राजुलाम की कुछ दवाएँ जो कि 24,000 ट्रामाडोल और 3,700 जो अल्प्राजुलाम मिली है उसको पुलिस द्वारा फिलहाल जब्त कर दिया गया है और उसका लाइसेंस निरस्त करने की मेरे द्वारा संस्तुति की गई। तो हरिद्वार से खबर है, दवा के गोदाम में छापेमारी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दवा निरीक्षक ने यहां पर छापेमारी की है। हरिद्वार के बहादराबाद थाना पुलिस ने कनखल थाना क्षेत्र में ही जिला दवा निरीक्षक के साथ एक दवा कारोबारी के गोदाम पर छापेमारी की और कार्रवाई की है, जहां पुलिस को मौके से काफ़ी संख्या में प्रतिबंधित ऐसी दवाइयाँ मिली है जिनके खरीद के बिल पुलिस के हाथ लगे हैं लेकिन बिक्री का कोई भी बिल पुलिस के हाथ नहीं लगा है और इस मामले में दवा कारोबारी और उसका पिता
और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। आपको जानकारी देते चले कि शनिवार को एसटीएफ की टीम ने बहादराबाद थाना पुलिस के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर बहादराबाद थाना क्षेत्र से ही दो दवा तस्करों को गिरफ्तार किया था और पकड़े गए आरोपी भारी मात्रा में ही प्रतिबंधित दवाओं को बिना बिल के क्लियर और देहात क्षेत्र में सप्लाई करने जा रहे थे। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दवा को लेकर ही छापेमारी की गई थी और जिसके बाद बताया जा रहा है कि गोदाम में छापेमारी की गई जहां पर अब आगे की कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, छापेमारी की गई है दवा को लेकर, कहा जा रहा है कि जो खरीदी गई थी दवा उसका बिल है लेकिन बिक्री का कोई बिल नहीं है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये हरिद्वार की जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है अनिता भारती, उनके नेतृत्व में बहादराबाद और कनकल थाना पुलिस को साथ लेकर ये छापेमारी की गई है जहां पर एक दवा का जो मेडिकल संचालक है उसके गोदाम पर ये छापेमारी की गई है जहां पर जो दवाइयों का जो लेखा जोखा है वहां पर नहीं है। कुछ प्रतिबंधित दवाइयां भी यहां पर मिली है जिनको कब्जे में यहां पर लिया गया है। वहीं जो दवा जो मेडिकल स्टोर संचालक है और इस गोदाम के जो मालिक है उनके ऊपर संबंधित धाराओं में यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी जो तलाश है वो भी यहां पर शुरू कर दी गई है। जी जी, इंतजार, इस पूरे मामले में कोई आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो पाया है और किसकी सूचना के बाद ही ये छापेमारी की गई थी? बिल्कुल, देखिए मुखबिर तंत्र यहाँ जो ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती और कनखल बहादराबाद थाना क्षेत्र के जो भी है उन सभी को एक यहाँ पर संयुक्त टीम यहाँ पर बनाकर और तमाम जो ड्रग्स फ्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 का अभियान मुख्यमंत्री के आदेश पर यहाँ पर चलाया जा रहा है जिसको लेकर तमाम जो क्षेत्र है वहाँ सभी पर जो ड्रग्स है इस तरह की जो दवाइयाँ हैं प्रतिबंध दवाइयों की बिक्री और खरीद फरोख्त पर यहाँ पर लगातार यहाँ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही थी। इसी को लेकर बहादराबाद और कनकल थाना की जो मेडिकल संचालक है और मेडिकल ये कनकल क्षेत्र में चला जाता है लेकिन इसका जो मेडिकल है वो बहादराबाद थाना क्षेत्र में, तो इसलिए दोनों थानों की पुलिस को लेकर जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है दवा निरीक्षक अनिता भारती उनके नेतृत्व में छापेमारी की गई है। जी जी इंतजार, में दो आरोपी अभी फरार भी बताए जा रहे हैं, पुलिस की छानबीन अभी तक कर रही है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ बताया गया है कि दो आरोपी में फरार चल रहे हैं जिनकी जो गिरफ्तारी है उनके लिए मुखबिर तंत्र और अन्य जो प्लेटफॉर्म है सभी को सक्रिय यहाँ पर किया गया है और जल्द ही इन दोनों दवा तस्करों की भी गिरफ्तारी की यहाँ पर बात की जा रही है। जी जी इंतजार रजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे थे जहां पर दवा के गोदाम में छापेमारी की गई है और इसके साथ ही आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर ही रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री के नेतृत्व में ही सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एक दिवसीय धरना दिया और जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को कई मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही गन्ने के रेट न बढ़ाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आह्वान किया गया था और जिसके चलते पूरे भारतवर्ष में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और गन्ना मूल्य को लेकर आज किसान अपनी फसलों को कम दामों पर बेचने को मजबूर है और जिसका फायदा अंधी बहरी और गूंगी सरकार उठा रही है जिसका भारतीय किसान यूनियन टिकैत विरोध करती है और तुरंत तत्काल प्रभाव से गन्ने का भाव उत्तराखंड में भी सरकार घोषित करो। ये मेन मुद्दा आज हमारा गन्ने का था। दूसरा बिजली की समस्या या एक जो चलान काटे जा रहे और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार इंतजार रजा बने हुए हैं। इंतजार रजा, जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं किसानों की विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं हरिद्वार कलेक्ट्रेट में आज किसानों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहां पर किया गया है और राजीव शास्त्री जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष हैं हरिद्वार के, उनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन यहां पर किया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए और अपनी मांगों को लेकर एक जो ज्ञापन है वो भी एसडीएम हरिद्वार के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए उन्होंने यहाँ पर सौंपा है जिसमें तमाम जो इनकी मांगे हैं चाहे गन्ना जो है गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी की बात हो या फिर बिजली फ्री की बात हो, जो किसानों के हित को लेकर तमाम मांगे यहाँ पर की गई हैं जिसको लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। जी
जी इंतजार, क्या कुछ कहना है किसानों का कि कब तक मांगे पूरी होती हैं उनकी, तब तक ये धरना प्रदर्शन क्या जारी रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। वहीं जो किसान के जो नेता हैं, जो राजीव शास्त्री जिलाध्यक्ष है किसानों ने शिकायत की, उनके द्वारा साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि यदि इस ज्ञापन के पहुंचने के बाद जल्द ही गन्ना का जो मूल्य है अगर उसको नहीं खोला जाता, उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाती है, तो एक बड़े आंदोलन की ओर ये इशारा होगा। और जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का इनके द्वारा जो यूनियन है उनको जो भी आदेश वहां से मिलेगा उसको लेकर इन्होंने आगे एक बड़े आंदोलन की यहाँ पर बात कही है। जी जी इंतजार रजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे थे जहां पर किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों ने एक दिवसीय धरना दिया है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट बदली है। कहीं ना कहीं निचले इलाकों में गर्मी का आगाज हो गया था, और वहीं ऊंचे इलाकों की बात करें तो जय तो गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई और हर्षिल घाटी में ही बर्फबारी हुई। मां गंगे के शीतकालीन प्रवास मुखवा 5 इंच लगभग बर्फबारी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि मौसम है साफ बताया जा रहा है, जिससे घाटी में एक खूबसूरत बर्फ की चादर से काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे कि पर्यटकों के चेहरे पर खुशी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चमोली जिले के नारायण बगड़ में वाल्मीकि समाज की बेटी नेहा और शिवा के विवाह के अवसर पर वाल्मीकि समाज ने हरे रंग के परिधान में ही सजकर समाज को धरती और पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संदेश दिया है। इस अवसर पर ही कल मेहंदी की रस्म से पूर्व वाल्मीकि समाज के सभी मेहमानों ने सूक्ष्म तौर पर सफाई अभियान चलाकर समाज से धरती और पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का आगाह किया। अरे पापा साथ हम लोग यही चाहते थे, हम अपनी तरह से ये संदेश देना चाहते थे दुनिया को कि जैसे पौधे कम हो रहे हैं इसको लगाए और ज्यादा ज्यादा प्रकृति को बचाने की कोशिश करें। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ धनेत्रा जी कि आपने समय निकाल के जो है मेरी बच्चे की कार्यक्रम में प्रवेश किया, और उसके बाद मैं अपनी वाल्मीकि समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हम दुनिया की धरती को साफ करते हैं, वैसे ही लोग भी ऐसा करें कि स्वच्छता का ध्यान रखें और थोड़ा पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को रखे, और इस आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।